वेलकम वंस अगेन, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाई इज द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर? अंटार्कटिका वो स्थान कैसे है कि हम अंटार्कटिका, अगर हम पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका पर जाकर के ये चीज हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों के अंदर, द मैन हैज क्रिएटेड टाउन सिटीज एंड मेगा सिटीज, इंसान ने बड़े बड़े नगर बना दिए, इंसान ने बड़े बड़े सिटीज, ठीक है, मेगा सिटीज है वो बना दिए, ठीक है, बड़े बड़े महानगर बना दिए पिछले कुछ दशकों के अंदर। ही हैज स्पॉइल्ड द नेचर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, उसने नेचर को, प्रकृति को भी बर्बाद कर दिया है, ठीक है। फॉसिल क्या होते हैं? वृक्ष वगैरह काट करके उनको जला करके ईंधन के तौर पर, फ्यूल ईंधन होता है। इट हैज इंक्रीज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इसके कारण हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ चुका है। बट द इकोसिस्टम ऑफ एंटार्क्टिका इज वेरी सिंपल, लेकिन एंटार्क्टिका का जो इकोसिस्टम है वो बड़ा सिंपल है। इट हैज नॉट बीन स्पॉइल्ड बाय मैन येट, अभी इंसान ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया है। सो वी कैन नो अबाउट द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर बेटर देयर, और इस कारण से पृथ्वी पहले कैसे हुआ करती थी, वर्तमान में कैसे है और कैसी होनी चाहिए, इस चीज को हम एंटार्क्टिका पर जाकर के और अच्छे तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजों का ध्यान अपने आप रखा जाएगा। एक्सप्लेन, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। द इकोसिस्टम ऑफ एंटार्क्टिका इज वेरी सिंपल, एंटार्क्टिका का इकोसिस्टम बड़ा ही सिंपल है। ए लिटल थिंग इन्फोर्सिस ए बिग चेंज देयर, एक छोटी सी चीज है वहां पर बड़े ही चीज को बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल, फोटोप्लैंक्टन आर सिंगल सेल टाइनी प्लांट्स, फोटोप्लैंक्टन होते हैं वो सिंगल सेल वाले, एक कोशिका वाले सूक्ष्म प्लांट होते हैं, घास ही होती है ये वहां पर। दे असिमिलेट कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को असिमिलेट करते हैं सूरज की गर्मी की सहायता से। दे मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द बेसिक सोर्स ऑफ अवर फूड चेन, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी जो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं, उसका एक बेस होती हैं। दे सपोर्ट द इंटायर फूड चेन देयर, वहां पर ये पूरी फूड चेन को कंट्रोल करते हैं। टू टेक केयर ऑफ फोटोप्लैंक्टन मीन द इंटायर फूड चेन विल टेक केयर ऑफ बाय इटसेल्फ, कहता है अगर फोटोप्लैंक्टन की वहां पर देखभाल की जाए तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो स्टूडेंट, वी हैव फिनिश्ड ऑल दीज शॉर्ट क्वेश्चंस, ओके, ऑल दीज शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप दैट यू विल डू योर वर्क, ओके। फर्स्ट लॉन्ग आंसर वी हैव ऑलरेडी डन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वी हैव डन इन दिस वीडियो, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। Write and learn the short answer type question in your notebook. Next we start next topic of grammar. Okay, till then bye bye.